दुर्ग जिले के ग्राम ढौर के पास बीती रात हाईवा व कार की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार बुजुर्ग महिला सहित तीन की मौत हो गई। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची जामुल पुलिस ने शवों को सुपेला शास्त्री अस्पताल भेजा। मृतक स्मृति नगर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस हाईवा ड्राइवर करण सागर को गिरफ्तार कर हादसे की जाँच शुरू कर चुकी है। भिलाई से इवारा रोड पर खेदामारा व जामुल के बीच मंगलवार की रात को हाईवा 07BE7002 ने कार को ठोकर मार दी। हाईवा और स्विफ्ट कार की आमने सामने टक्कर हो गई। स्विफ्ट डिजायर कार CG07AS4731 भिलाई की ओर आ रही थी। इसी दौरान खेदामारा व जामुल के बीच ग्राम ढौर के पास 10 चक्का हाईवा वाहन ने कार को ठोकर मार दी। बताया गया है कि हादसे में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसमें कार सवार एक पुरुष और दो महिलाओं की मौत हो गई है। मृतकों की पहचान पी वेंकट, पी शांति व उनकी बुजुर्ग माँ के रूप में हुई है। घटना के बाद से हाईवा का चालक फरार हो गया था। पुलिस ने हाईवा चालक को गिरफ्तार कर लिया है। ट्रैफिक TI पीडे चंद्रा ने बताया कि तीनों मृतक अपनी कार से बेरला से भिलाई लौट रहे थे। जानकारी मिल रही है कि बुजुर्ग दंपत्ति की बेटी पीडी नित्या जम्मू कश्मीर में IPS अफसर है। वे लद्दाख में SSP हैं। बेटा मर्चेंट नेवी में कार्यरत है। बुजुर्ग दंपत्ति और वृद्ध महिला सभी बेरला से अपने रिश्तेदार के घर मिलने गए थे। आंवला नवमी के अवसर पर उन्हें भोज के लिए आमंत्रित किया गया था। वापिस घर भिलाई आने के दौरान जामुल की ओर से आ रही हाईवा ने खेदामारा चौक पर कार को जबरदस्त ठोकर मार दी। इस घटना में स्विफ्ट कार के परखच्चे उड़ गए। मिली जानकारी के अनुसार IPS बेटी को इस हादसे की सूचना पड़ोसियों ने दी है। भावुक होकर IPS बेटी भी देर रात फ्लाइट से भिलाई पहुंचेंगी। बेरला तरफ से एक स्विफ्ट में सवार होकर आ रहे थे और इधर से जामुल तरफ से हाईवा आ रही थी, तो नवा तरिया है मेन रोड में, वहाँ के आस पास में आमने सामने का टक्कर हुआ जिसमें तीन व्यक्ति फौत हुए हैं। हाँ, ड्राइवर तो उस समय भाग गया था गाड़ी छोड़कर, अभी उसकी गिरफ्तारी हो चुकी थाना। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़।